आगरा में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर चल रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसी को लेकर भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज आगरा पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा की सरकार ने विकास किया है और ऐसी योजनाओं को गरीबों के लिए लागू किया जो आजादी के तत्काल बाद लागू होनी चाहिए थे। उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 मार्च को गठबंधन की करारी हार होगी। उन्होंने कहा कि सपा द्वारा जारी की गई प्रत्याशियों की सूची में अपराधी शामिल हैं। कि हमारी सरकार ने विकास किया, हमारी सरकार ने गरीब कल्याण की ऐसी योजनाएं जिसे आजादी के तत्काल बाद लागू होना चाहिए था लेकिन वह नहीं लागू किया गया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने गरीब कल्याण की दृष्टि से बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं जिसमें हम लोगों ने लगभग 43 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराए हैं, 2.5 करोड़ लगभग गरीबों के घर में शौचालय बनवाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से केंद्र सरकार के माध्यम से, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रति यूनिट 5 किलो राशन के साथ साथ 1 किलो दाल, 1 किलो तेल और 1 किलो नमक और अंत्योदय कार्ड धारकों को 1 किलो चीनी भी साथ में उपलब्ध कराने का काम किया। यहाँ किसके खिलाफ मुकदमे लिखे हैं और किसके खिलाफ मुकदमे नहीं लिखे हैं, किससे लोग डरते हैं, किसका भय है लोगों में, आप जानते हैं। समाजवादी पार्टी भय पैदा करने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम करती है। अगर केशव प्रसाद उत्तर प्रदेश की जनता के हित में विधानसभा का घेराव करता है और उसके कारण से मुकदमा लिखा जाता है तो ये मुकदमा आंदोलन के होते हैं। लेकिन जो दंगा करवावे, जो हत्या करवावे, जो अपहरण करवावे, उनके अपराधों को और भाजपा के किसी पदाधिकारी या नेता या सरकार के किसी मंत्री पर इस प्रकार के कोई अपराध नहीं हो सकते जिस अपराध को लेकर के समाज में उसके कारण से कहीं किसी को डर लगता हो। हाँ, डर लगता है तो समाजवादी पार्टी के गुंडों को हमारी सरकार से लगता है।